दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड फ्रूट्स बॉल, जो गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही टेस्टी प्लस हेल्दी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 3 पीस ब्रेड ले लिया है, 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़ा कप दूध, ये मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और थोड़े से दूध में मैंने इसे मिक्स कर लिया है इस तरीके से। केला, सेब, अनार, इन तीनों चीज़ों को मैंने 3 चम्मच लिया है। और ये गार्निश के लिए 3 पीस टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा अनार। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करके एक बर्तन रखूँगी और दूध को डालूँगी। दूध को मैं 1 बॉयल आने तक पकाऊंगी हाई फ्लेम पे। ये देखिए, दूध में 1 बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चीनी को डाल देंगे और साथ में कस्टर्ड पाउडर को भी डाल देंगे, जिसे मैंने थोड़े से ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ा ठीक होने तक। हमारा कस्टर्ड मेल्ट बनके तैयार है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मैं इसे ज़्यादा ठीक नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ठंडा होने पे थोड़ा सा और ठीक होगा, तो मैं इसे इतनी ही थिकनेस पे उतार लूँगी और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। अब हम चलते हैं बॉल्स बनाने के प्रोसेस पे। सबसे पहले मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं इसे मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। अब मैं एक बाउल में वाटर को लूँगी और उसमें ब्रेड के स्लाइस को डिप कर लूँगी दोनों तरफ से, और इसे आराम से निकालते हुए ये जो मैंने फ्रूट का मिक्सचर बनाया हुआ है उसे 1 टेबल स्पून इसके बीच में रख लूँगी और इसे चारों तरफ से कवर कर लूँगी। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। अब हम फ्रिज में से कस्टर्ड मिल्क को निकाल लेंगे, ये ठंडा हो गया है, और हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें बॉल्स को रख देंगे। और कस्टर्ड मिल्क को इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सारे बॉल्स को कस्टर्ड मिल्क से कवर कर देंगे। ये ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों के मौसम में, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम ऊपर से बॉल्स के ऊपर चेरी को रख देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा पुश कर लेंगे। और ऊपर से अनार को छिड़क दूंगी और ये हमारा फ्रूट्स बॉल बनके तैयार है। ऊपर से आप अनार को इसमें जितना ऐड करेंगे ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।